जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं खैर खैरियत से हूँ। और आज ये हमारे पास वाल्वो मशीन है, वाल्वो 460 मशीन है ये, EC460BLC। इसकी जो प्रॉब्लम इंजन की प्रॉब्लम है, स्टार्ट करते हैं कुछ देर के बाद, कुछ मिनट के बाद इंजन जो है बंद हो जाता है। मज़ीद आप ये चेक करें एक दफ़ा, ये स्टार्ट करें। ये चेक करें, ये मशीन बंद हो गई है, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। ये मशीन तकरीबन एक मिनट स्टार्ट रहती है, उसके बाद जो है बंद हो जाती है। मज़ीद जो है इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहाँ पे इसका गेम सेंसर है, ये वाला, ये अंदर गेम सेंसर है, और उसके बाद जो है ये एयर सेंसर है, एयर प्रेशर सेंसर है। इसको भी चेक करेंगे खोल के, सबसे पहले इसको खोल के चेक करेंगे, उसके बाद जो है गेम सेंसर चेक करेंगे, क्योंकि गेम सेंसर हम पहले भी इस दफ़ा चेक कर चुके हैं। ये चेक करें जी, ये इसके अंदर जो है ये बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए, यहाँ पे ये बिल्कुल किनारे के साथ टच है। इसके अंदर कचरा भी है, मिट्टी वगैरह जो है उसकी वजह से यहाँ से अर्थ बराबर नहीं लेता, जिस वजह से मशीन स्टार्ट होती है एक मिनट के बाद जो बंद हो जाती है। फिर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग भी लंबी है और एक मिनट के बाद जो है बंद हो जाती है। मज़ीद ये सब सफाई करके लगा के चेक करेंगे, अगर इससे हमारा फॉल्ट ट्रेस्ट हुआ अंदर से भी खोल के इसको चेक कर लेंगे। ये इसका लॉक है, दो इनको अंदर प्रेस करेंगे ऐसे तो बॉडी जो है इसकी खुल जाएगी। इसके अंदर भी अगर कचरा होगा तो फिर भी जो है ट्रक है या एक्सीवेटर है वाल्वो की, मान में भी यही सिस्टम है लेकिन थोड़ा चेंज है। लिहाजा वाल्वो जो है, वाल्वो का एक्सीवेटर है, शेवल है या कि ट्रक है, बस है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इस एयर क्लीनर का जो वाल है इसको सेंसर को खोल के चेक करके,
इसको फ्यूल वगैरह नहीं लगाना, फ्यूल की सफाई नहीं करनी बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रिक स्प्रे है तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो है इसके ग्रिप लगाएंगे। ग्रिप की चार पिने हैं और दो कट हैं, ये वाला कट और ये वाला कट, उसके अंदर भी दो ही कट हैं। लेकिन ध्यान रखना है एक कट जो है वो स्लाइड है और दूसरा कट जो है ये जिस तरह ये स्लाइड है, ये स्लाइड वाली साइड स्लाइड पे आएगी ये वाला कट। ग्रिप भी लगा दिया है, मजीद जो है स्टार्ट करके चेक करेंगे क्या पोजीशन है। यहीं पे फॉल्ट हमारा ख़त्म हो गया है, या इसके अलावा कोई और भी है। ये बैक साइड का इसका कवर है, इलेक्ट्रिक कवर है। इसके अंदर जितने सेंसर हैं उन सब के ग्रिप जो हैं वो यहाँ पे हैं। जैसे सर ये ग्रिप है, ये आरपीएम सेंसर है, ये केबल वो पीछे नीचे आरपीएम की जा रही है, और ये जो वायरिंग इसके अंदर इंजेक्टरों की जा रही है। तो इसमें यहाँ हमें एक फॉल्ट मिला है, चेक करेंगे। ये जो वायरिंग आ रही है केम सेंसर की, ये चेक करें, ये वायर लगती है यहाँ से डैमेज है ये। तो मज़ीद इसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के बाद जो है इसको चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट जो है क्लियर होता है या नहीं। इसका ग्रिप जो है ये लगा हुआ है, ये सामने ग्रिप है, पीछे इस ग्रिप को खोलेंगे तो आगे सेंसर खोलेंगे तो पूरी वायरिंग जो है ये बाहर आ जाएगी, दो तारे हैं इसकी। ये चेक करें जी, वायर जो है बिल्कुल गली हुई है, दोनों वायरें जो है गली हुई है। आपको सिर्फ जंप लगता है या थोड़ी बहुत हिलती है, मैच होती है तो मशीन जो है बंद हो जाती है। वैसे जो अगर जुड़ी भी हो तो फिर ये बल्ब जो है कंप्यूटर को बराबर नहीं देती, जिसकी वजह से फ्यूल जो है वो इलेक्ट्रिक इंजेक्टर जो है फ्यूल ड्रॉप होता है, बंद हो जाती है मशीन। मज़ीद जो है इसको रिपेयर करेंगे, इंशाल्लाह के फजल से हमारा फॉल्ट जो है क्लियर हो जाएगा।
वायर का प्रॉब्लम था। अब मशीन को हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं स्टार्ट करके खड़ा किया हुआ है। आरपीएम हाई लो भी कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और इसके अलावा ट्रैवलिंग पे सारा सिस्टम चेक किया है, बिल्कुल सही है। पहले 2 मिनट कुछ सेकंड 30 सेकंड 25 सेकंड के बाद मशीन बंद हो जाती थी। ये गेम सेंसर का प्रॉब्लम था, गेम सेंसर की जो वायर थी वो अंदर से बिल्कुल डैमेज थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर को बराबर फल जो है वो नहीं मिल रहे थे। लिहाजा फॉल्ट के लिए हमने एयर प्रेशर सेंसर जो है वो भी क्लीन किया। पहले हमने गेम सेंसर ऑलरेडी क्लीन किया, क्लीन करके चेक किया, फॉल्ट ट्रेस भी हुआ, फिर एयर प्रेशर सेंसर को खोल के उसको भी सफाई करके चेक किया, तो फिर भी हमारा फॉल्ट जो है वो ट्रेस नहीं हुआ। फिर हमने ये जो वायरिंग है, वायरिंग को जब चेक किया तो वहाँ से वायरिंग जो है डैमेज थी, उसको रिपेयर किया, तो अब यह मशीन काफ़ी टाइम से स्टार्ट है, अलहम्दुलिल्लाह हमारा फॉल्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। इस तरह के इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो होते हैं वो छोटे छोटे, मतलब गेम सेंसर, क्रैंक सेंसर, आरपीएम सेंसर, फ्यूल प्रेशर सेंसर, इनकी वजह से जो हो जाते हैं। कहीं पे सेंसर ख़राब होता है, कहीं पे वायरिंग जो है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि इंजन के साथ वायरिंग ऑलरेडी गुजरी होती है, कहीं पे गर्म हो के हीट हो के डैमेज हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉल्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है जनाब, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो बरए मेहरबानी मेरे दो भाई जो कि वर्कशॉपों में काम सीख रहे हैं या किस फील्ड के साथ रिलेटेड हैं,